Hello everyone, welcome on my channel, myself Dr. S. K. Misra. Today we talk about the platelet. What is platelet? Platelet kya hai? Kya iske sign and symptoms hain? Aur kya iske effects hain body mein? Kya iska role hai in tamam disorders pe? Kafi important concept hai platelet ka related to blood. Aur ये ब्लॉक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल काफ़ी पेशेंट्स हैं जो वायरल फीवर के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं और जांच कराने पे पता चल रहा है कि ये सफर फॉर्म है फीवर जस्ट लाइक डेंगू और मलेरिया. इस तरह के पेशेंट्स काफ़ी हॉस्पिटल में आ रहे हैं और भारत के जो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर डेंगू के और मलेरिया के काफ़ी पेशेंट्स हैं और वहाँ से वो यूपी में इंटर कर रहे हैं आ रहे हैं. तो इस विषय से इस विषय को समझने के लिए महत्वपूर्ण विषय है और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं कि प्लेटलेट क्या होता है. डियर गाइस, साधारण भाषा में मैं बात करूं तो प्लेटलेट जो है एक लिटिल सेल है, पीसेज ऑफ सेल्स हैं बॉडी के जो कि ब्लड में पाया जाता है और जो जनरली इसका वर्क है वो ब्लड क्लॉटिंग में इसका बड़ा हेल्प होता है. इट्स हेल्प द रिड्यूज एंड स्टॉप द ब्लड क्लॉटिंग. नॉर्मल काउंट जो होता है वो अबाउट 15 लाख टू 4 लाख के अबाउट होता है और लो प्लेटलेट के कम होने पे बॉडी में बहुत से सिम्टम्स आते हैं, जनरली कॉल डैट जे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लेस देन 150 लाख पर एम एल में हो तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में कंसिडर करते हैं. पर ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस कर जाते हैं. यदि कोई पेशेंट्स हो जो ब्लीडिंग फेज में हो, कभी उसके नाक से या आँख या नाक या कान से ब्लीड हो रहा है तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगा बिकॉज प्लेटलेट कम होने की वजह से जो ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम है पेशेंट्स का वो बढ़ जाएगा. तो इन समय पर प्लेटलेट की जाँच बहुत ज़रूरी है. और डेंगू और मलेरिया जिस पर्पस से हम इस ब्लॉक को बना रहे हैं, जनरली डेंगू और मलेरिया में प्लेटलेट कम हो जाते हैं. इस वक्त भी पेशेंट के केस के अकॉर्डिंग यदि बहुत ज़्यादा कम हो तो प्लेटलेट पेशेंट को ऊपर से देना भी पड़ता है वाया बीटी ट्रांसफ्यूजन के द्वारा पेशेंट को देना भी पड़ता है प्लेटलेट. और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड यदि प्लेटलेट कम होगा तो किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशंस जो उसके MC हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उसकी जो ब्लीडिंग है वो इंक्रीज कर जाएगा और साथ में हेडेक और नोजिया टाइप के भी सिम्टम्स पेशेंट को मिलेंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्किन पे रेड स्पॉट या चकत्ते टाइप के सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट को मिलेगा. तो डियर गाइज, प्लेटलेट इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं ये एक तरह से बॉडी की इम्यूनिटी को भी एक तरह से कंट्रोल करता है. लेकिन मेन फैक्टर जो है वो प्लेटलेट जो है ब्लड का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जो नेचुरली सोर्सेज हैं प्लेटलेट के वो पपाया फ्रूट्स हैं. पपीते में काफ़ी ज़्यादा काउंट पपीता में ऐसा रिसर्च के द्वारा देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्लेटलेट को इंक्रीज करते हैं. कीवी फ्रूट्स भी एक ऑप्शन है जिस पर आप प्लेटलेट को इंक्रीज करने के लिए ले सकते हैं. और जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है प्लेटलेट को लेके कि यदि कोई भी पेशा पेशेंट हो जो फीवर हो, जिसको फीवर हो, नौजिया हो, हेडेक हो और काफ़ी दिन से पेशेंट जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहा हो, ब्लीडिंग टाइम बढ़ गया हो पेशेंट यदि कुछ कहीं चोट लग रहा है तो ब्लीड करने में जो उसके ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम है वो इंक्रीज कर गया, तो समय निश्चित तौर पर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और प्रॉपर टेस्ट जो है वो करना चाहिए. एक विषय और है कि क्या प्लेटलेट को जांच करने के लिए कोई ऐसा प्रोटोकॉल है कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन में प्लेटलेट जांच करना चाहिए, तो ऐसा कोई मेडिकल साइंस में कॉन्सेप्ट नहीं है. प्लेटलेट कभी भी किसी भी समय पेशेंट की सुविधा के अकॉर्डिंग खून की जाँच के द्वारा किया जा सकता है. बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और इसमें तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है. और प्लेटलेट जब पेशेंट को ऊपर से दिया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो ये भी एक बड़ा ही सामान्य प्रक्रिया है. कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने पड़ते हैं मेडिकल साइंस में
और इस तमाम प्रकार के प्रक्रियाओं को निश्चित तौर पे आप डॉक्टर की निगरानी में करें, कभी खुद या स्वयं प्रयास ना करें क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और जनरली रिएक्शन भी प्लेटलेट को ऊपर से प्लेटलेट देने पे पेशेंट को देखने में आता है, इसलिए सावधानी को रखते हुए स्वस्थ रहें और समय पे। और इस समय यदि कोई ऐसा पेशेंट हो जो फीवर से और जनरली किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त पीड़ित हो ग्रसित हो तो एक बार ज़रूर अपने ब्लड की जांच को खून की जांच को करें और उसमें प्लेटलेट यदि कम होता है तो निश्चित तौर पे डॉक्टर से सलाह लें और किसी हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।